सो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आप भी अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो तो आज का वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं 2024 का बिल्कुल नया प्रोसेस। फ्रेंड, आप एक नया यूट्यूब चैनल किस प्रकार से शुरू कर सकते हो, किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हो, आज का वीडियो में पूरा आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है। फ्रेंड, पूरा आपको 10 सेटिंग के साथ बताने वाले हैं। फ्रेंड, आपको यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जो कि 10 मिनट 5 मिनट में पूरा बता देता है किस प्रकार से सेट जो कि करना है, चैनल क्रिएट करना है, लेकिन पूरा सेटिंग के साथ नहीं बताता है। फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस कर देता है। लेकिन आज का वीडियो में आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको चैनल बनाने से लेकर वीडियो अपलोड करने से लेकर पूरा पैसा आने तक, मॉनिटाइज होने किस प्रकार से होगा, पूरा ए टू जेड पूरा सेटिंग के साथ आपको बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं पहले भी बोला हूँ, लेकिन आपको वीडियो में फुल जानकारी एकदम जेन्युइन तरीके से आपको बताने वाला हूँ क्या सेटिंग करना है, किस प्रकार से आपको ग्रोथ मिलेगा, किस प्रकार से व्यूज अच्छी तरह का आएगा। मतलब पूरा एक भी सेटिंग आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ, पूरा सेटिंग के साथ आपको बताने वाला हूँ। पूरा ये वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब क्रिएट करने से, मतलब यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा मैं इस वीडियो में जो भी मसाला है पूरा डाल कर रखा हूँ। मतलब इस वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। फ्रेंड, ठीक है, तो अगर आपको यूट्यूब के बारे में नॉलेज भी नहीं है, फ्रेंड, यूट्यूब चैनल अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो देखने के बाद आपका पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा और आप आसानी से यूट्यूब चैनल मतलब स्टार्ट कर सकते हो। सो चलो इस वीडियो को देख लेते और यूट्यूब चैनल चलाने का अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। फ्रेंड, तो फ्रेंड आ चुका अपना मोबाइल का स्क्रीन पे। सो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे मैं यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, फ्रेंड, यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। फ्रेंड, उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, फिर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे देख सकते हो यू बोल के, सिंपल से यहाँ पे आपको टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे आप लोग टैप कर दो, फ्रेंड, यहाँ पे टैप करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। सो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, स्विच अकाउंट। तो सिंपल सा स्विच अकाउंट का ऑप्शन भी एक बार टैप कर लेना है। अब जैसे आप स्विच अकाउंट का ऑप्शन पे टैप कीजिएगा, फ्रेंड, तो आप लोग के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कि प्लस का ऑप्शन पे टैप कर लेना है। फ्रेंड, अब जैसे यहाँ पे प्लस का ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ, फ्रेंड, प्लस का ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा वेट कर लेना। फ्रेंड, ठीक है, फिर आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो हम अपने यहाँ पे मॉल का लॉक डाल देंगे। मॉल का लॉक डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे। यहाँ पे एक्चुअली मेरा नेटवर्क का थोड़ा इशू है। फ्रेंड, ठीक है, उसके बाद आप लोग के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, क्रिएट अकाउंट। तो सिंपल से यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन पे टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन पे टैप कीजिएगा, तो यहाँ पे सिंपल से जैसे देख सकते हो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे फॉर माय पर्सनल यूज। ठीक है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे टैप कर लेना है। अब यहाँ पे टैप करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है, फिर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा क्रिएट ए गूगल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एंटर योर नेम। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना नेम डाल देना है, यहाँ पे आपको जो कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डाल देना है। फ्रेंड, ठीक है, मतलब स्मॉल नेम। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई वो नहीं है। फ्रेंड, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओगे तो अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल सकते हो, या फिर कोई अपना खुद का नाम डाल सकते हो, या कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। फ्रेंड, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रेंड, जैसे मैं अपना नाम डालता हूँ, जैसे यहाँ पे जे ए एम ए एल, ठीक है, जमाल डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे डाल देंगे जैसे ए के एच टी ए आर, जैसे जमाल अख्तर डाल दिया। फ्रेंड, ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पे नाम डाल दिया। उसका सिंपल से आपको अपना नाम या कुछ भी आप डाल सकते हो। उसका सिंपल से यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ, फ्रेंड, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप करने के बाद थोड़ा आपको वेट कर लेना है। थोड़ा वेट करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड, ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रेंड, अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। फ्रेंड, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको जो भी है अपडो को डाल देना है। यहाँ से आपको मेल फीमेल जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे मैं मेल हूँ तो यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर लिया, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो महीना है, यहाँ पे आप जो कि सिलेक्ट कर लेना। फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ से चलो क्या करता हूँ, फ्रेंड, मैं जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड, ठीक है, मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको अपना सही सही डाल देना। फ्रेंड, ठीक है, तो चलो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। फ्रेंड, ठीक है, यहाँ से जैसे मान के चलो कि मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। उसका सिंपल से यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे मैं टैप कर लेता हूँ, फ्रेंड, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। फिर आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। फ्रेंड, ठीक है, सो फ्रेंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे देख सकते हो क्रिएट जीमेल अकाउंट, मतलब एड्रेस। ठीक है, आपको अपना जीमेल एड्रेस यहाँ पे क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल से आपने क्या करना, फ्रेंड, यहाँ पे जो यूज मोबाइल नंबर का ऑप्शन पे एक बार टैप कर लेना है। अब जैसे यूज मोबाइल नंबर का ऑप्शन पे आप लोग टैप कीजिएगा, फ्रेंड, उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपल से आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे देख सो यस यूज मोबाइल नंबर। ठीक है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे जो कि एक बार टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे एक बार टैप कीजिएगा, फ्रेंड, उसका आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आप लोग को सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे आप लोग देख पा रहे हो। फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ जो कि प्रोसेस चल रहा है, फ्रेंड, तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। फ्रेंड, ठीक है, तो चलो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। फ्रेंड,
यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद आपको सिंपल सा जनरेट कोड पे टैप कर लेना है। अब जैसे जनरेट कोड पे टैप कीजिएगा फ्रेंड, उसके बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है, फिर आपका मोबाइल नंबर पे एक जो कि कोड जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो उसी कोड को आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको डाल देना है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये वो कोड जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो कि मतलब आ गया फ्रेंड, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे जो कि आई एग्री पे टैप कर लेना है फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आई एग्री पे आप लोग टैप कर दो फ्रेंड, आई एग्री पे टैप करने का आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। सो फ्रेंड आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट कर लेना है फ्रेंड, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, अपना जैसे जीमेल आईडी का जो पासवर्ड है फ्रेंड उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ फ्रेंड, ठीक है। जीमेल आईडी का पासवर्ड क्रिएट कर दिया, उसका सिंपल से यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट ऑप्शन पर टैप कीजिएगा फ्रेंड, उसके बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है, फिर आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा फ्रेंड, जैसे आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड, ठीक है। सो फ्रेंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे देख सकते हो यहाँ पे एडिट योर जीमेल एड्रेस, ठीक है। तो आप सिंपल से यहाँ पे आप टैप कर सकते हो, उसका यहाँ पे अपना जीमेल एड्रेस को जैसे अपना हिसाब से यहाँ पे आप जो कि क्रिएट कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आपका जीमेल आईडी जैसे कुछ भी अपना नाम लगाने के बाद कोई अक्षर अंक कोई डाल मतलब जो कि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो या फिर आपका याद रहे, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना जीमेल आईडी को जो कि एडिट कर सकते हो। सिंपल से यहाँ पे एडिट जो कि योर जीमेल एड्रेस पे टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे टैप कीजिएगा फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, पहले से आपको एक जीमेल आईडी देगा। अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो इसमें आप सिंपल सा डन कर लेना, या फिर आपको क्रिएट योर यहाँ पे आपको जो कि जीमेल एड्रेस पे टैप कर लेना है। तो सिंपल से यहाँ पे जैसे टैप कीजिएगा तो आपको क्या करना फ्रेंड कि यहाँ पे आपको क्रिएट जो कि जीमेल आईडी मतलब आपको अपना एक जीमेल आईडी क्रिएट करने का यहाँ पे ऑप्शन देता है, तो आपको अपना हिसाब से एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लेना है, बना लेना है, ताकि आपको याद रहे फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से जो जीमेल आईडी आता है फ्रेंड वो आपको याद नहीं आता है कुछ मतलब जो सो आ जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना हिसाब से एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लेना है। तो चलो मैं अपना हिसाब से एक जीमेल आईडी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ फ्रेंड, जैसे डन ऑप्शन पर टैप कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा फिर से एक बार नेक्स्ट ऑप्शन पर टैप कर लेना है। आपका यहाँ पे जो कि जीमेल आईडी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडिट कर लिया, एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे जो कि नेक्स्ट ऑप्शन पर टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर टैप कर लेता हूँ फ्रेंड, उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। फिर फ्रेंड आपको क्या करना है, नीचे इस प्रकार से आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे आई एग्री पे टैप कर लेना है फ्रेंड। अब जैसे यहाँ पे आई एग्री पे आप लोग टैप कर दो फ्रेंड, आई एग्री पे टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे आप लोग थोड़ा सा वेट कर दो फ्रेंड, तो यहाँ पे थोड़ा हम वेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस चल रहा है फ्रेंड, ठीक है। सो फ्रेंड थोड़ा वेट करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे जो कि मेरा जीमेल आईडी क्रिएट हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस जानेंगे कि किस प्रकार से आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या सेटिंग करना है, पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड कि जो मेरा जीमेल आईडी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो, अब जैसे यहाँ पे मेरा जीमेल आईडी तो क्रिएट हो चुका है, उसका यहाँ पे क्या क्रिएट किया जो आप लोग के सामने क्रिएट किया हूँ, इस प्रकार से आपको क्रिएट कर लेना है। जीमेल आईडी जो अभी क्रिएट किया हो उसका ऊपर एक बार टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे मैं इसके ऊपर टैप कर लेता हूँ, उसका यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि वो जो जीमेल आईडी अभी क्रिएट किया वो यहाँ पे स्विच हो गया है। उसका यहाँ से फिर से जो कि यू का ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब जैसे यू का ऑप्शन पर फिर से यहाँ पे टैप कर लेता हूँ फ्रेंड, अब टैप करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे देख सकते हो क्रिएट ए चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा आपको छोटा सा, सिंपल सा इसके ऊपर एक बार टैप कर लेना है। अब जैसे इसके ऊपर एक बार टैप कर दो फ्रेंड, उसका आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। थोड़ा वेट करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। सो फ्रेंड यहाँ पर जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो नेम डालना है जो आप अपना चैनल का नाम डालना चाहते हो फ्रेंड, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे एक पेंसिल का ऑप्शन दिखने के लिए मिल जाएगा, पेंसिल का ऑप्शन पे आपको एक बार टैप कर लेना है। अब जैसे पे टैप कर लेना है, अब जैसे यहाँ पे मैं पेंसिल का ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ फ्रेंड, उसका आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो कि अपना यूट्यूब चैनल का नाम डाल देना है फ्रेंड, ठीक है। जो भी आपको अपना यूट्यूब चैनल का नाम रखना है वो आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। तो मैं जो कि यूट्यूब चैनल का नाम सोच के रखा हूँ फ्रेंड, तो वो सिंपल सा नाम यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ फ्रेंड। आपको जो भी अपना यूट्यूब चैनल का नाम रखना है, जो भी आप मतलब वीडियो बनाओगे उस वीडियो से रिलेटेड यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम रखना है। जैसे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं जैसे अर्निंग से रिलेटेड यहाँ पे नाम रख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन पे टैप कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं सेव का ऑप्शन पे टैप कर लिया फ्रेंड, तो आप लोग जैसे देख सकते हो कि ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम जो कि हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। जैसे देख सकते हो रोज कमाओ पैसा है ना, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा हैंडल। तो आप यहाँ पे हैंडल भी अपने हिसाब से यहाँ पे जो कि मतलब एडिट कर सकते हो। सिंपल सा पेंसिल का ऑप्शन पर आपको टैप कर लेना है। अब जैसे पेंसिल का ऑप्शन पर टैप कीजिएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे हैंडल कुछ आया है, ठीक है। तो अगर आप मतलब अपना हिसाब से यहाँ पे हैंडल क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे अपना हिसाब से भी यहाँ पे जो कि क्रिएट कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अपना हैंडल वही रख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे जो भी रोज कमाओ पैसा, तो इसको थोड़ा ये कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे जो भी है
इसको एडिट कर लेंगे, ठीक है। उसका सिंपल सा यही इसका हैंडल रख लेंगे फ्रेंड, ठीक है। उसका यहाँ पे सेव का ऑप्शन पे टैप कर लेंगे। अब सेव का ऑप्शन पे जैसे टैप करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि जो ये हैंडल है ये जो कि अभी अवेलेबल नहीं है बता रहा, तो रोज कमा पैसा उसके बाद यहाँ पे कुछ जो कि और डाल देंगे फ्रेंड, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं कुछ वर्ड जैसे कुछ अंक डाल देता हूँ फ्रेंड। यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैं जो कि हैंडल डाल दिया रोज कमाओ पैसा उसका 139, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा सेव का ऑप्शन पे टैप कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये मेरा जो कि हैंडल भी यहाँ पे बन चुका है फ्रेंड, ठीक है। ये हैंडल क्या है फ्रेंड कि कोई यूट्यूब में अगर ये सर्च करेगा तो आपका जो कि चैनल सबसे ऊपर यहाँ पे रैंक करेगा फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा जो कि एक ऑप्शन देखने मिला चेंज योर फोटो, मतलब आपका जो यूट्यूब का जो प्रोफाइल है जो आपका जो लोगो है वो लोगो आपको यहाँ पे डाल देना है फ्रेंड, ठीक है। आप अपना फोटो लगा सकते हो या फिर कोई लोगो वगैरह बना के लगा सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई एक फोटो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लगा लेता हूँ फ्रेंड। सो फ्रेंड जैसे यहाँ पे मैं अपना जो कि लोगो मतलब एक फोटो अपना ही लगा दिया फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा क्रिएट चैनल, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे आपको क्रिएट चैनल का ऑप्शन पे टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट चैनल का ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ फ्रेंड। अब क्रिएट चैनल का ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना फ्रेंड। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे चैनल जो कि क्रिएट हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल सा जो कि फिर से जो कि यू ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे जैसे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे व्यू चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पे क्रिएट चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे व्यू चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब मेरा यहाँ पे चैनल जो कि क्रिएट हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। सिंपल सा व्यू चैनल का ऑप्शन पे टैप कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे व्यू चैनल का ऑप्शन पे टैप कर लेते हो फ्रेंड, तो आप लोग यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे जो कि कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैनेज वीडियो है ना, यहाँ पे जो कि क्रिएट वीडियो, मतलब यहाँ से आप जो कि वीडियो अगर अपलोड कर सकते हो। सिंपल से यहाँ पे शॉर्ट वीडियो जो कि देख सकते हो क्रिएट ये शॉर्ट वीडियो, यहाँ पे जो कि लॉन्ग वीडियो अपलोड कर सकते हो, यहाँ से लाइव जा सकते हो, यहाँ से आप जो कि फोटो मतलब पोस्ट यहाँ पे कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कि सिंपल सा जो पेंसिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रेंड, पेंसिल का ऑप्शन पे सिंपल से जैसे आप टैप कीजिए तो सिंपल सा फिर से आप चाहे तो अपना यूट्यूब चैनल के बाद में नाम वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ पे सिंपल सा पेंसिल के ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पे अपना अपना जो कि चैनल का जो कि मतलब नाम वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 14 दिन के बाद ही आप नाम जो कि चैनल का यहाँ पे चेंज कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि नीचे देखने के लिए मिल जाएगा पीछे जो कि बैनर, यहाँ से जो कि आप क्या कर सकते हो यूट्यूब चैनल का जो कि बैनर भी लगा सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल आप लोग को लगा के दिखा देता हूँ। आप बाद में भी बैनर वगैरह लगा सकते हो फ्रेंड, अपना जो कि प्रोफाइल का जो फोटो है जो भी लोगो है वो बाद में भी लगा सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं मान के चलो कि बैनर अभी लगा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि पीछे जो कि यूट्यूब का जो बैनर है वो बैनर भी यहाँ पे मैं लगा दिया फ्रेंड, ठीक है। आप यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन पे टैप करके बाद में चेंज भी कर सकते हो फ्रेंड, बैनर भी चेंज कर सकते हो, प्रोफाइल का जो फोटो है लोगो है वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। उसका यहाँ से हम क्या करेंगे, आ जाएंगे बैक फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका यूट्यूब चैनल बन के तैयार हो चुका फ्रेंड, ठीक है। लेकिन आपको अपना यूट्यूब चैनल को मेजर जो कि मैनेज कैसे करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, उसका नाम हो जाता है यहाँ पे जो कि YT स्टूडियो, ठीक है। तो आपको चाहे लेना है प्ले स्टोर पे। अब जैसे आप लोग प्ले स्टोर पे जाइएगा उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना सिंपल सा YT स्टूडियो, ठीक है। तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, जैसे YT स्टूडियो यहाँ पे सिंपल सा मैं सर्च कर लेता हूँ फ्रेंड, ठीक है। आपको यूट्यूब में जाकर YT स्टूडियो सर्च कर लेना, फिर आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा YT स्टूडियो जो कि यूट्यूब का ही है फ्रेंड, ठीक है। सिंपल सा इसको क्या करना है आपको जो कि इंस्टॉल कर लेना है पूरा, जो कि मैनेज आप YT स्टूडियो से कर सकते हो। यूट्यूब से सिर्फ आप वीडियो छोड़ सकते हो, उसका मतलब यहाँ पे जो भी मतलब आपको मैनेज करना है यहाँ से आप जो कि YT स्टूडियो से कर सकते हो। तो YT स्टूडियो को हम ओपन जैसे इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस जानेंगे फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, ओपन कर लेना फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे YT स्टूडियो को आप लोग ओपन किया फ्रेंड, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना जो कि वो जी मेल आई डी यहाँ पे आपको जो कि कनेक्ट कर लेना, जिससे अभी आप मतलब यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हो फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे, उसका जो मान कर चलो कि वो मैं यहाँ से जो कि चैनल यहाँ से जो कि लॉग इन कर लेता हूँ फ्रेंड, ठीक है, साइनअप कर लेता हूँ। उसका यहाँ पे आपको सिंपल सा गेट स्टार्ट पर टैप कर लेना है। अब जैसे आप लोग गेट स्टार्ट पर टैप कर दो फ्रेंड, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड कि YT स्टूडियो में अभी फिलहाल यहाँ पे टोटल सब्सक्राइबर यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे आपको वीडियो जो कि कॉन्टेस्ट ऑप्शन पर टैप करके जितना भी आपका वीडियो रहेगा वो यहाँ पे पूरा जो कि यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, जैसे आप लोग साइड में देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। उसका यहाँ पे आपको जो कि देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे देख सकते हो अर्न, ठीक है, डॉलर का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कोने पे। यहाँ पे जैसे आप लोग टैप कीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पे आप टैप करने के बाद यहाँ पे आपको जो कि पूरा देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम, जो कि आपको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको जो कि मॉनिटाइज करने का ऑप्शन आएगा, मतलब अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टेप भी आपको वेरीफाई करना है, उसका यहाँ पे आपका जो कि 4000 घंटा वॉच टाइम और जो कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के बाद आपको जो कि यहाँ पे मॉनिटाइज करने का ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड, फिर आप यहाँ पे चैनल मॉनिटाइज कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फॉर एग्जांपल एक वीडियो अपलोड करके दिखा देता हूँ फ्रेंड, ठीक है, आप लोग को समझ में आसान हो फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, सिंपल सा जो कि यूट्यूब का ऑप्शन पर टैप कर लेंगे। अब यूट्यूब का ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप जो कि कोई सा भी एक वीडियो अपलोड करने के बाद आपको एक चैनल को वेरीफाई भी करना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। वो भी आज का वीडियो मैं बताने वाला हूँ, चैनल को वेरीफाई किस प्रकार कर सकते हो और वेरीफाई करने के बाद क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सिंपल से यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन पर टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे प्लस का ऑप्शन पर आप लोग टैप कर दो फ्रेंड, उसके बाद आपको सिंपल सा क्या करना है कि यहाँ पे आपको वीडियो ऑप्शन पर टैप कर लेना है। वीडियो ऑप्शन पर टैप करने का कोई सा भी एक आपको एलवा कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे कोई सा भी एक वीडियो अपलोड कर लेना है, जो भी आप वीडियो मतलब बना कर रखो एडिट कर रहे। मैं फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कोई सा एक वीडियो अपलोड करके दिखाता हूँ फ्रेंड। मैं अपना एक वीडियो ले लिया, उसका यहाँ पे सिंपल सा आपको टाइटल लिख देना आपका वीडियो का, ठीक है,
जिस भी रिलेटेड आपको वीडियो है उस भी रिलेटेड आपको यहाँ पे टाइटल डाल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाई लिख देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, आपका वीडियो जो भी टॉपिक पे रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो भी टाइटल लिख लेना है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा पब्लिक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पब्लिक नहीं करना है, इसके ऊपर टैप कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर अनस्टिच कर लेना है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है कि बैक आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से और कुछ काम नहीं करना है, या अगर आपको जो भी टाइटल यहाँ पे डालो वही टाइटल को कॉपी करके आपको सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में डाल देना है फ्रेंड, ठीक है। जैसे मैं हाई डाला तो सिंपल से यहाँ पे हाई जैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया फ्रेंड, उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, सिंपल से यहाँ पे जो कि अपलोड जो कि नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको टैप कर लेना फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे आप लोग टैप कर दो फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे जो कि सिंपल से नीचे ऑप्शन पे टैप कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे भी आपको नीचे ऑप्शन पे टैप कर लेना है। इसमें क्या कि बच्चों के लिए वीडियो अगर रहेगा तो आपको ऊपर का ऑप्शन पे टैप कर लेना है, अगर बच्चों के लिए नहीं है तो आपको नीचे ऑप्शन पे टैप कर लेना, उसके बाद सिंपल से अपलोड वीडियो ऑप्शन पे टैप कर लेना है। अब जैसे आप अपलोड वीडियो ऑप्शन पे आप लोग टैप कीजिएगा फ्रेंड, उसका आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। अपलोड वीडियो ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जैसे देख सकते हो फ्रेंड कि ये जो वीडियो है मेरा यहाँ पे यूट्यूब में अपलोड होना मतलब स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। तो वीडियो तो यहाँ पे अपलोड हो रहा है, उसका यहाँ पे क्या करेंगे बैक आ जाना आपको, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं बैक आ जाता हूँ फ्रेंड, बैक आने के बाद फिर से क्या करेंगे यहाँ पे जो वाईटी स्टूडियो फ्रेंड के वाईटी स्टूडियो को यहाँ पे ओपन कर लेंगे फ्रेंड, ठीक है। जो अभी आप लोगों के सामने डाउनलोड किए वाईटी स्टूडियो को यहाँ पे सिंपल सा ओपन कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे वाईटी स्टूडियो को ओपन कर लेंगे फ्रेंड, वाईटी स्टूडियो को ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे, उसका यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाईटी स्टूडियो मेरा ओपन हो रहा है फ्रेंड, स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे कॉन्टेस्ट का ऑप्शन पे टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे कॉन्टेस्ट का ऑप्शन पे मैं टैप कर लिया फ्रेंड, उसका यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे। आप लोग जैसे देख पा रहे हो फ्रेंड जो वीडियो अपलोड किया वो वीडियो यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब यहाँ पे अपलोड अभी नहीं हुआ बट यहाँ पे वीडियो यहाँ पे शो हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल से वीडियो का ऑप्शन पे एक बार टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन पे आप लोग टैप कीजिए फ्रेंड, वीडियो ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। फिर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा पेंसिल, तो आपको सिंपल से पेंसिल के ऑप्शन पे एक बार टैप कर लेना है। अब जैसे पेंसिल के ऑप्शन पे आप लोग टैप कर दो फ्रेंड, उसका आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे जैसे देख दो कुछ प्रोसेस चल रहा है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका जो कि जो भी जिससे भी रिलेटेड वीडियो है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे अच्छा खासा टैग लगा लेना है, कैप्शन लगा लेना है, ताकि आपका वीडियो ज्यादा से ज्यादा रैंकिंग आए फ्रेंड, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टैग, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख दो, तो सिंपल सा टैग ऑप्शन पे यहाँ पे टैप कर लेना है। टैग ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको ऊपर पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जैसे देख दो टैग, ठीक है। यहाँ पे एड टैग, तो आपको क्या करना है कि वीडियो से रिलेटेड यहाँ पे टैग लिख देना है। जैसे मैं हाई लिखा तो हाई यहाँ पे जैसे डालने के बाद यहाँ पे एक टैग लगे जैसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके यहाँ पे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल हेलो लिख देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। या जैसे ई डब्ल्यू एल ओ, जैसे मैं हीलो लिख दिया फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, हीलो लिख के यहाँ पे फिर एक टैग लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड, ये मेरा दो टैग हो गया। तो आपको वीडियो से रिलेटेड 10 से 15 यहाँ पे टैग लगा देना, जो कि कोई भी जो सर्च करेगा तो आपका वीडियो सबसे ऊपर मतलब रैंक हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको जो कि सिंपल सा एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जैसे देख सकते हो कैटेगरी, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये कैटेगरी के ऑप्शन पर आपको प्लस ऑप्शन पर टैप कर लेना है। प्लस ऑप्शन पर टैप करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना फ्रेंड, ठीक है। तो अब जिससे भी रिलेटेड आपका कैटेगरी है बोलोगे तो ब्लॉग सिलेक्ट कर लेना, जो भी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो चलो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं टेक्नोलॉजी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड, आपको जो भी कंटेंट हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी आपका कैटेगरी है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, बैक आ जाना फ्रेंड, ठीक है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन पे टैप कीजिएगा, जब आपका जो टैग लगा है वो सेव हो जाएगा। चलो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेव का ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे सेव का ऑप्शन पे मैं टैप करता हूँ फ्रेंड, उसका यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड कि यहाँ पे मेरा सेव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा पेंसिल का ऑप्शन, जैसे आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन पे आपको एक बार टैप कर लेना है। अब जैसे पेंसिल का ऑप्शन पे टैप कीजिए फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जैसे देख पा रहे हो कस्टमाइज थंबनेल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि थंबनेल का ऑप्शन पे एक बार टैप कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे देख सो फ्रेंड, यहाँ पे फिर नेटवर्क का थोड़ा इशू है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग को देखने के लिए इशू हो रहा है। तो सिंपल से यहाँ पे मैं थंबनेल का ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन पे मैं टैप किया फ्रेंड, थंबनेल का ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे फ्रेंड, ठीक है। थंबनेल का ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सो वेरीफाई योर अकाउंट, ठीक है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे जो कि अपना जो कि अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा फ्रेंड, तो सिंपल से आपको मोबाइल नंबर से जो कि वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सिंपल से यहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन पे एक बार टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन पे टैप करते हो फ्रेंड, उसका आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। सो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर से आप जो कि चैनल को वेरीफाई करना चाहते हो, मतलब जो मोबाइल नंबर से आप जीमेल आईडी क्रिएट किया हो फ्रेंड, ठीक है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसका यहाँ पे जो कि मेरा ऑलरेडी इंडिया से लेट है, तो आपको यहाँ पे इंडिया रहना है, ठीक है। उसका यहाँ पे अगर आपका कोई अदर कंट्री है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे अपना कंट्री यहाँ पे जो कि सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इंडिया है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं इंडिया ही रहने देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा कंट्री है, तो आप जो भी कंट्री से हो वो आप यहाँ पे कंट्री सिंपल सा सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी इंडिया से हूँ, तो यहाँ पे इंडिया ही रहने देता हूँ फ्रेंड। उसका यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, एंड आपको यहाँ पे कॉल यानी यहाँ पे टैक्स दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप जो ओटीपी आएगा वो मतलब जो मैसेज आएगा वो आप कॉल के थ्रू लेना चाहते हो या फिर टैक्स के थ्रू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैं टैक्स का थ्रू लेना चाहता हूँ, यहाँ पे टैक्स सिलेक्ट कर दिया, एंड आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेना फ्रेंड, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ फ्रेंड।
अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, उसको सिंपल से यहाँ पे गेट कोड पे टैप कर लेना है। अब जैसे गेट कोड पे आप लोग टैप कीजिएगा फ्रेंड, गेट कोड पे टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है फ्रेंड, फिर यहाँ पे 6 डिजिट का एक जो कि कोड आपका मोबाइल नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो उसी कोड को आपको वहाँ पे डालना है, वहाँ पे डालने के बाद जो कि आपका जो कि मतलब चैनल वेरीफाई हो जाएगा अपने मोबाइल नंबर से, उसके बाद आप थंबनेल लगा सकते हो। अगर आप अपना चैनल को वेरीफाई नहीं करोगे तो थंबनेल नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे, उसका कोड को यहाँ पे डाल लेंगे फ्रेंड। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो मेरा कोड आ चुका है, तो उसको हम यहाँ पे फिल कर लेंगे फ्रेंड। सो फ्रेंड मैं यहाँ पे अपना कोड डाल दिया। अब जैसे यहाँ पे कोड डाला फ्रेंड, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो मोबाइल यहाँ पे मेरा चैनल वेरीफाई हो गया। अब चैनल वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा थंबनेल भी लग गया फ्रेंड, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपका चैनल वेरीफाई हो चुका है, मतलब आपका यहाँ पे काम हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपको और एक दो इंपॉर्टेंट सेटिंग है फ्रेंड, जिसको करने के बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो करने के लिए आपको सिंपल सा अपना मोबाइल का क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा सर्च बार में लिख लेना है फ्रेंड youtube.com, ठीक है। सिंपल सा आपको youtube.com लिख के सर्च कर लेना है फ्रेंड। अब जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा फ्रेंड, सर्च करने के बाद आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। सो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है फ्रेंड कि यहाँ पे आपको ऊपर में एक 3 डॉट दिख रहा है, तो 3 डॉट का ऑप्शन पे सिंपल सबको एक बार टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन पे एक बार टैप कर दो फ्रेंड, उसका आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा डेस्कटॉप साइड। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर अनटिक रहेगा तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है फ्रेंड, ठीक है। टिक करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, थोड़ा वेट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे जो कि आपका प्रोफाइल दिखाई देगा अपना, जो कि चैनल का लोगो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चैनल का लोगो को ऑप्शन पे टैप कर लेना। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आपको सिंपल सा जो भी दिखाई दे रहा है लोगो वहाँ पे आपको टैप करके सिंपल सा आपको क्या करना है अपना चैनल को यहाँ पे मतलब स्विच कर लेना, लॉग इन कर लेना है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो मेरा ऑलरेडी मेरा जो कि चैनल यहाँ पे लॉग इन है फ्रेंड। अगर आपका लॉग इन नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे सिंपल सा देखने के लिए मिल जाएगा स्विच अकाउंट। यहाँ पे टैप करने के बाद आपका जितना भी मतलब अकाउंट रहेगा वो आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना जो कि चैनल सेलेक्ट कर लेना फ्रेंड, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी चैनल सेलेक्ट किया हुआ है, उसका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा व्यू योर चैनल, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे व्यू योर चैनल पे ऑप्शन पे आपको टैप कर लेना एक बार। अब जैसे यहाँ पे टैप कर दो फ्रेंड, यहाँ पे टैप करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। थोड़ा वेट करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे आप लोग देख पा रहे हो कस्टमाइज चैनल। तो आपको सिंपल से यहाँ पे कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन पे टैप कर लेना फ्रेंड। सो जैसे यहाँ पे कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन पे एक बार टैप कर लेते हो फ्रेंड, कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। थोड़ा वेट करने के बाद आप लोग को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, आपको वीटा वर्जन में जो कि लेकर चल जाएगा वाईटी स्टूडियो में फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि थोड़ा वेट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा जो कि चैनल का डिटेल पूरा सेटिंग यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। पूरा डिटेल में जानेंगे किस प्रकार से क्या सेटिंग करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर आप एक यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेटिंग। अगर ये नहीं करोगे तो आप यूट्यूब में ग्रोथ नहीं कर पाओगे फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं कर पाओगे, किस प्रकार से सेटिंग करना है, पूरा प्रोसेस आज का वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो सीधा मेरे को वीटा वर्जन में लेकर आ चुका है वाईटी स्टूडियो में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या सेटिंग है वो जान लेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो अगर आपका यहाँ पे ऊपर में सेलेक्ट रहेगा तो आपको यहाँ पे जो एक पेंसिल का जैसे ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है जो कि मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है। अगर आपका ऊपर नीचे रहेगा तो आपको जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर आपका सेलेक्ट रहेगा तो आपको सिंपल से यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन पर आपको एक बार टैप कर लेना है फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग टैप कीजिएगा फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जैसे ब्रांडिंग। तो यहाँ पे आप जो कि टैप कर लेना, उसके बाद यहाँ से आप जो कि अपना जो मतलब लोगो चेंज कर सकते हो अपना चैनल का या फिर फोटो, ठीक है। इसका यहाँ से बैनर भी आप चेंज कर सकते हो। उसका यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा बेसिक इन्फो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे बेसिक इन्फो पे टैप कीजिएगा फ्रेंड, बेसिक इन्फो पे टैप करने के बाद यहाँ पे जाके देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिख लेना फ्रेंड, ठीक है। आपका जो कि चैनल में कौन सा वीडियो अपलोड कीजिएगा, कौन सा आपको वीडियो मतलब अपलोड करना है वो आपको यहाँ पे जो कि डिस्क्रिप्शन एड कर लेना है, मतलब लिख लेना है जैसे 100-200 वर्ड का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लिंक, ठीक है। यहाँ से आप जो कि एड लिंक पे टैप करने के बाद यहाँ से आप जो कि अपना इंस्टाग्राम फेसबुक या अदर वेबसाइट का यहाँ पे लिंक जो कि आप एड कर मतलब सकते हो फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल सा जो कि लिंक का जो कि नाम डाल देना है, यहाँ पे लिंक का URL डाल देना फ्रेंड। उसका यहाँ पे आप सिंपल सा एड लिंक पे टैप करके आप यहाँ पे एड कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो ये तो हम बाद में कर लेंगे फ्रेंड, यहाँ से आप जो कि कर लेना, हम बाद में एडिट कर लेंगे, आप लोगों को सिंपल बता रहा हूँ मैं फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे सिंपल सा और एक ऑप्शन देखने के मिल जाएगा जैसे देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग का यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन पर आपको टैप कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन पर आप टैप करने के बाद थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे देख सकते हो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे आपको जनरल का ऑप्शन पर टैप कर लेना है। उसका यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डॉलर, ठीक है। यहाँ पे US डॉलर है, अगर साइड में जैसे आप लोग देख सकते हो मेरा US डॉलर हो रहा है। यहाँ पे आप चाहे तो अपना मतलब लैंग्वेज में यहाँ पे डॉलर मतलब ले सकते हो फ्रेंड, ठीक है। मतलब जैसे बहुत आदमी का जो वाईटी स्टूडियो में डॉलर होता है USD डॉलर, किसी का मतलब इंडियन रुपीस होता है, तो किसी का अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे आप अपना डॉलर को जो कि शो करा सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो ये तो मोनेटाइज होने के बाद का खेल है, ठीक है। तो इसको बाद में बाद जान लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चैनल का ऑप्शन, जैसे आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड, ठीक है। तो चैनल का ऑप्शन पे जैसे आप लोग टैप कीजिएगा फ्रेंड, तो चैनल का ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेसिक इन्फो पे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जैसे देखो कंट्री, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कंट्री का ऑप्शन पे यहाँ पे सिंपल से यूरोप ऑप्शन पे टैप कर लेना है। यूरोप ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड, ठीक है। जो भी आप कंट्री से हो, तो ये मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हम ये करके इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड, यहाँ पे जैसे ये हो गया इंडिया, ठीक है। तो ये मेरा इंडिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कीवर्ड, ठीक है। तो ये जो कि आपको कीवर्ड भी मतलब एड कर, एक कीवर्ड क्या है फ्रेंड कि मतलब आपका चैनल से रिलेटेड कीवर्ड आपको को मतलब कौन सा वीडियो डाले हो, मान के चलो कि आप फिटनेस का वीडियो डाल रहे हो, फिटनेस से रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड डालना है। अगर आप गेमिंग मतलब वीडियो अपलोड कीजिए तो गेमिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड डालना है, 10-15-20-25 आपको यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे डाल देना फ्रेंड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं हाई लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हाई डाल लिखने के बाद यहाँ पे एक कर दिया, तो ये जो कि एक कीवर्ड हो गया फ्रेंड, ठीक है। उसका जैसे मान के चलो कि यहाँ पे मैं हिलो लिख दिया, ठीक है, जैसे एच ई डबल एल ओ है ना, हिलो लिख दिया, तो ये जैसे एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको अपना हिसाब से कर लेना, जो भी आपका वीडियो वीडियो से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड डाल देना, ढेर सारा कम से कम 20-25-30 ऐसा कीवर्ड डाल लेना फ्रेंड। एक कीवर्ड डालने में क्या होता है फ्रेंड कि आपका जो कि चैनल ज़्यादा सर्च में आता है, मान के चलो कोई हिलो यूट्यूब में सर्च करेगा तो आपका वीडियो रैंक करेगा अगर आप एक कीवर्ड डाल के रखो हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि कीवर्ड का जो कि काम है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए, ये पूरा आपको डालने के बाद सेव का ऑप्शन पर टैप कर लेना फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल से यहाँ पे जैसे सेव का ऑप्शन पर टैप कर लेता हूँ। अब सेव का ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे जो कि वो कीवर्ड जो कि यहाँ पे सेव हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड, फिर से यहाँ पे आपको सेटिंग ऑप्शन पे फिर से टैप कर लेना फ्रेंड, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे मैं सेटिंग ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ। अब सेटिंग ऑप्शन पे टैप करने के बाद फिर से यहाँ पे जो कि चैनल का ऑप्शन पे टैप कर लेंगे। अब चैनल का ऑप्शन पे टैप करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे जैसे देखो एसएफ हो गया, अब आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे देखो एडवांस सेटिंग, ठीक है। तो एडवांस सेटिंग ऑप्शन पे जैसे टैप कर लेंगे तो यहाँ पे फिलहाल ये पूरा जैसे चेक कर लेंगे एडवांस सेटिंग पे, ये पूरा सही है, इसमें कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे और आपको एक ऑप्शन मिल जाता तो ये तो एलिजिबल है, और ये जो कि आपको जो कि एडवांस फीचर जो ये देखने के लिए मिल रहा है तो ये आपको एलिजिबल कब होगा फ्रेंड, इसका आपका टेंशन नहीं करना है। ये जो कि आप अपना जो कि वो मतलब कोई भी आइडेंटिटी वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड या पेन कार्ड के थ्रू यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हो, या फिर ये जो कि ऑटोमेटिक फ्रेंड जो कि चैनल हिस्ट्री में ऑटोमेटिक ये जो कि वेरीफाई हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर टैप कर लेता हूँ, तो जैसे देख सकते हो 2 महीना बाद ये जो कि ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाएगा एडवांस फीचर फ्रेंड, ठीक है। अगर 2 माह बाद अगर एलिजिबल नहीं होता है फ्रेंड तो फिर आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है, अपना जो कि आधार कार्ड या पेन कार्ड से आपको क्या करना है, इसको एलिजिबल कर लेना फ्रेंड, ठीक है। तो ये तो बाद का खेल, ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाता फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे जैसे देख सकते हो अपलोड डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट पे जैसे मैं टैप कर लेता हूँ फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि कुछ सेटिंग जो कि बेसिक यहाँ पे करना होता है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो कि देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो कि टाइटल यहाँ पे आप और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको जो कि लिख लेना फ्रेंड, ठीक है। टाइटल हो गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको लिख लेना है, ठीक है, सेम प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है कि टैग डाल देना। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं सिंपल से टैप कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से पब्लिक हो गया और अनलिस्टेड हो गया, प्राइवेट हो गया, जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हो तो ये आप चाहे तो व्हाट स्टूडियो में कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे देखो एडवांस सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है कि एडवांस सेटिंग पे आपको टैप कर लेना है। अब जैसे एडवांस सेटिंग पे टैप कर दो तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये सेटिंग अगर नहीं करोगे तो आप ग्रोथ मतलब करने में आपको लेट होगा या ग्रोथ ही नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये सेटिंग को बिल्कुल मतलब ध्यान से समझिए फ्रेंड, ठीक है। बारीकी से ये सेटिंग को आप अगर समझ लेते तो आपका एकदम चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर मतलब ग्रोथ करने में टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा बूम करेगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये सेटिंग क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं आपको शुरू से लेकर मतलब स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो फ्रेंड, ठीक है, ये तो आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। उसका यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना फ्रेंड, ठीक है। अब कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको टैप कर लेना सिंपल सा, उसका यहाँ पर आपको अपना हिसाब से जो कि कैटेगरी सेलेक्ट करना मतलब जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो वो वीडियो का कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो, अगर आप म्यूजिक अपलोड करते हो तो म्यूजिक सेलेक्ट करना, अगर आप गेमिंग वीडियो अपलोड करते हो तो यहाँ पे गेमिंग सेलेक्ट कर लेना, अगर आप कॉमेडी वीडियो अपलोड करते हो तो यहाँ पे कॉमेडी सेलेक्ट कर लेना फ्रेंड, ठीक है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो यहाँ पे ब्लॉगिंग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, सिंपल सा चलो यहाँ से मेरा ऑटोमेटिक म्यूजिक सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे सिंपल सा टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैं कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे तो वीडियो लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो लैंग्वेज क्या है फ्रेंड, जैसे आप कौन सा लैंग्वेज में वीडियो बनाते हो, है ना। तो यहाँ पे सिंपल से आपको जो कि वीडियो लैंग्वेज का ऑप्शन पे यहाँ पे आपको जो एरर दिखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, छोटा सा, यहाँ पे आपको टैप कर लेना। अब यहाँ पे जैसे आप लोग टैप कीजिएगा फ्रेंड, उसके बाद आपको अपना जो कि वीडियो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे बहुत सारा जो कि लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कि आप यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे आप वीडियो बनाते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, जैसे हिंदी लैंग्वेज में मैं वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पे
हम क्या करेंगे, धीरे धीरे नीचे कर लेंगे और यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। आप जो भी लैंग्वेज में वीडियो बनाते हो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये हो गया हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे, ठीक है। तो ये हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड, ठीक है। आपका जो भी लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जैसे देख सकते हो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, है ना। मतलब आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इंग्लिश इस्तेमाल करता है ना, कोई कोई हिंदी भी इस्तेमाल करता है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि यहाँ पे एक एरो ऑप्शन दिखाई देगा, एरो ऑप्शन पे एक बार टैप कर लेना है। अब जैसे एरो ऑप्शन पे आप लोग टैप कीजिएगा फ्रेंड, उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो उसका यहाँ पे भी आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, मतलब आप कौन सा लैंग्वेज में यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे जैसे मैं मेरा इंग्लिश है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको इस प्रकार से अपना लैंग्वेज को खोज लेना है फ्रेंड, ठीक है। इस प्रकार से नीचे कर लेना है, नीचे करके अपना लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे अपना लैंग्वेज को यहाँ के खोज लेता हूँ फ्रेंड, ठीक है। ये हो गया, बहुत लंबा चवरा यहाँ पे लिस्ट है फ्रेंड, ठीक है। तो आपको अपना लैंग्वेज यहाँ पे जो कि सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे कर लेंगे। अब नीचे करने के बाद यहाँ पे जैसे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे जो कि इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड। यहाँ पे जैसे मैं अक्सर इंग्लिश में ही टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे साइड में आ जाएंगे, ठीक है। साइड में आने के बाद आपको यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड, जैसे देख सकते हो ये तो फिलहाल सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्या रह गया, ये जो कि देख सकते हो, चलो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको ESDD कर लेते हैं, चलो ये सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कि आकर आपका थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। जूम करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉमेंट, अगर आप अपना वीडियो में जो कि कॉमेंट बंद करना चाहते हो तो ये तो खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, ठीक है। बस इतना सा करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन पर टैप कर लेना है जरूर। सेव का ऑप्शन में सैप अगर टैप नहीं करोगे तो बेकार सेव नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे सेव का ऑप्शन पर मैं टैप कर लेता हूँ। अब जैसे सेव का ऑप्शन पर टैप किया फ्रेंड, तो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो गया फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, तो ये डिस्क्रिप्शन मैं बाद में लिख दूंगा फ्रेंड, अगर लिखना जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपका चैनल का जो है पूरा सेटिंग यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कि देख सकते हो ये डॉलर का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, तो डॉलर का ऑप्शन पर जैसे मैं यहाँ पे टैप कर लेता हूँ फ्रेंड, डॉलर का ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, ये आपका पूरा मतलब चैनल में जो भी एकदम अच्छे तरीके से आपका चैनल बन गया है। अब सिंपल सा वीडियो अपलोड करना है और यहाँ पे जैसे देख सकते हो, जैसे आपका यहाँ पे 1000 मतलब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे टू स्टेप आप वेरीफाई कर लेना। टू स्टेप कैसे वेरीफाई करता है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना, टू स्टेप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कि ये जो क्राइटेरिया है पूरा हो जाएगा, तो आपका चैनल मॉनिटाइज हो जाएगा, मतलब अप्लाई कर लेना, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद आपका जो कि देख सकते हो साइड में, इस प्रकार से आप भी डॉलर में अर्निंग कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो कैसा लगा फ्रेंड आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना फ्रेंड। सो कैसा लगा फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, और क्या है आपको बताऊँ, अगर आपका कोई भी राय है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतना तक आप वीडियो अगर देखा होंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बारीकी से पूरा बेसिक से बेसिक जानकारी बता दिया हूँ, पूरा सेटिंग के साथ एक 2024 में नया यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो चलो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते लाइक करते जाना फ्रेंड और एक प्यारा सा कमेंट करते जाना। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना, तो बैठे के यार।